राम राम हरियाणा, मैं हूं सोनल दहिया। जिस खास पल का देश के करोड़ों लोग सालों से पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो पल आ ही गया जब मर्यादा पुरुषोत्तम चिरेराम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा पर साहित्य और संस्कृति का संगम लेकर हम हाजिर हैं। एक के बाद एक आपको हरियाणा की तमाम हस्तियों से मिलवाएंगे जो इस वक्त हरियाणा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिहाज से, संगीत के लिहाज से। राम आए हैं मेरे राम आए हैं, राम आए हैं मेरे राम आए हैं। अवधपुरी में मंगल बाजे। तो 22 जनवरी का वो शुभ दिन जब रामलला की अयोध्या में स्थापना की जाएगी, रामलला की मूर्ति की, और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को श्री राम की नगरी अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। रामलला के बाल रूप में बनाई गई अद्भुत अलौकिक मनमोहक मूर्ति भी अयोध्या पहुंच चुकी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये दिन दिवाली महोत्सव से कम नहीं है। देश भर के मंदिरों में दीपमाला की तैयारियां की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश जैसे राममय हो गया है। यह पल उन लोगों के लिए खास बन जाता है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन लोगों ने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए सालों तक संघर्ष किया है। उनका सपना पूरा होने जा रहा है, उनका वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। तो अपने आराध्य पुरुषोत्तम श्री भगवान को देखने के लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक उत्साह का माहौल है। राम मंदिर निर्माण से लेकर आज 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इस दरमियान हमने देखा कि एक लंबा इंतजार, 500 सालों का इंतजार करना पड़ा, और उस इंतजार के बाद अब वो शुभ घड़ी आई है जिसकी हर भारत वासी जिसके लिए इंतजार कर रहा था। कुछ तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अयोध्या से देख पा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, और न केवल अयोध्या में बल्कि हम देख रहे हैं कि इसका जो पूरा प्रभाव है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। जहां भी भारतवासी हैं उनके लिए ये पल बेहद खास है, बहुत गौरवमय पल है। और ये रामलला की मूर्ति जिसको 22 जनवरी को जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये श्यामल वर्ण में आपको प्रभु राम की मूर्ति दिखाई जा रही। ये कुछ राम मंदिर के भीतर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये अयोध्या नगरी में जिस वक्त आप एंटर करेंगे वहाँ पर कैसे तैयारियां की गई हैं वहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फूलों से पूरा अयोध्या नगरी को सजाया गया है, और ये मूर्ति जो श्यामल वर्ण की जो मूर्ति आप देख रहे हैं प्रभु राम की, ये वही मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और 16 जनवरी से हमने देखा कि अनुष्ठान समारोह शुरू हो गए हैं। 16 जनवरी से लेकर आज यानी कि 21 जनवरी तक लगातार अनुष्ठान समारोह चलेंगे, और कल दोपहर को वो समय होगा जब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके लिए तैयारियां अयोध्या में जोरों शोरों से चल रही हैं, और उसको लेकर उत्साह का जो माहौल है वो पूरे देश दुनिया में नज़र आ रहा है। ये कुछ भीतर की तस्वीरें हैं राम मंदिर की, और ये सड़कों का नज़ारा है, क्योंकि अध्यात्म की नगरी इस वक्त अयोध्या बन चुका है। और अयोध्या में कैसे भव्य तैयारियां चल रही हैं, क्या सजावट वहां पर की गई है, और कितना उत्साह लोगों के भीतर है, वो इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या का कोना कोना इस वक्त राममय नज़र आ रहा है। और प्रभु राम की लीला कि एक झलक पाने के लिए हर कोई बेसब्र नज़र आ रहा है। हर किसी को इंतज़ार है उस पल का जब प्रभु राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और 22 जनवरी का वो पल पूरे देश के लिए गौरवमयी होगा। से आपको रूबरू करवाएं, क्योंकि पूरा हरियाणा इस वक्त राममय है। और जब हरियाणा में तो आप देखेंगे कि राम राम से ही शुरुआत होती है, जब अभिवादन भी करते हैं हरियाणा के लोग तो राम राम करते हैं सबसे पहले। और कोशिश है हमारी कि संगीत से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों से आपको हम मिलवा सकें इस कार्यक्रम के जरिए जो
हरियाणा की संस्कृति में अपना योगदान दे रहे हैं, संगीत के लिहाज से अपना योगदान दे रहे हैं और राम भजनों की गूंज चूंकि चारों ओर है, तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर कुछ राम भजन भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि हरियाणा में प्रभु राम को कैसे याद किया जाता है ये अपने आप में बहुत खास है। और तमाम मेहमानों से आपको हम कुछ ही देर बाद मिलवाएंगे, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच बेहद खास हो जाता है उन लोगों से मुलाकात करना जो अलग अलग संस्कृति के लिहाज से अपना योगदान दे रहे हैं और हरियाणा की संस्कृति के लिहाज से अपना योगदान दे रहे हैं। कुछ राम भजन हम आपको सुनवाएंगे, ठेठ हरियाणवी बोली में आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा का जो जनमानस है वो कैसे प्रभु राम को याद करता है, वो उनके मन में प्रभु राम किस तरह से बसे हुए हैं, क्योंकि रामलीला के कुछ कलाकारों से भी जुड़ने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि रामलीला का जो मंचन लोग कर रहे हैं वो किस भाव के साथ रामलीला के को उस पर्दे पर उतारते हैं, कैसे वो प्रभु राम को महसूस करते हैं उस किरदार के भीतर, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और ठीक इसी बीच कुछ तस्वीरें हम अयोध्या से आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यही नगरी है अयोध्या जिसमें प्रभु राम के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या का कोना कोना इस वक्त पूरी तरह से राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, सरकारों की बात कर लें, पूरा एक उत्साह का माहौल है और किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रहे, तैयारियों में कोई चूक ना रहे, इसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इस वक्त हमारे साथ हरिकेश पंघाल जी जुड़ गए हैं। हरिकेश पंघाल जी कवि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिकेश जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। रिटायर्ड आईएएस राणा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, ऑनर जी, आप सब ना बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश जी, जब हरियाणा की बात होती है, राम की बात होती है, तो हमारे हरियाणा में तो राम राम तो शुरुआत हुए है। जब आप किसी का अभिवादन भी करो हो तो राम राम कह के करा हाँ, तो हरियाणा का आदमी भगवान राम ने आज क्यों कर याद करे है? भाई 22 जनवरी का जो दिन है वो अपने आप में बड़ा दिन है और हरियाणा का जनमानस क्यों कर याद करेगा प्रभु राम ने? देखो सोनल जी, बहुत बढ़िया विषय के ऊपर आपने आज ये हमारी चर्चा रखी है। मैं एक बात बताऊं, केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि न केवल हरियाणा, न केवल उत्तरी भारत बल्कि पूरा भारत में अगर कोई एक इष्ट जो रक्त की तरह संचार कर रहा है इंसान के धमनियों में, वो केवल और केवल राम से। और विशेषकर हरियाणा में तो चाहे कोई तीर्थ त्योहार उठा लो, इवन जब अपना दुख तकलीफ भी हो ना तो दो ही चीज याद आओगे, तो आदमी का अकेला लड़ेगा हे राम। ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, मेरी पीसीआर से गुजारिश है कि जरा नाम चेंज किए जाएं। हरिकेश पंघाल जी हमारे बीच जो बात रख रहे हैं, हरिकेश पंघाल जी हैं, आईएएस राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये नाम जरा आप फ्लिप करें प्लीज। जी आप अपनी बात रखिएगा हरिकेश जी। चाहे वो संत साहित्य की बात हो, चाहे वो आम कवियों की बात हो, चाहे वो लोक कवियों की बात हो, भाई हरियाणा से जुड़े हुए लोग जो साहित्य के विधा से जुड़े हुए हैं, जो काव्य से जुड़े हुए हैं, वो तो राम से अछूते है ही नहीं। मैं कहता हूँ इवन कबीर साहब भी, उनकी कितनी वाणियों देखो, वो बहुत सहज भाव से, हालांकि देखो संतों का राम उन्होंने अलग बताया। कबीर साहब तो कहते हैं कि एक राम दशरथ कर डोला है, एक राम जो घट घट बोला है, एक राम का सकल पसारा, संतों का राम त्रिगुण से नया। वो त्रिगुण से नारा राम, लेकिन जो राम शब्द, जो राम एक एक भाव जो संचारित हो रहा है ना हमारे उसमें जनमानस में, उससे अछूते मैं कह रहा हूँ संत काव्य भी उससे अछूता नहीं रहा। चाहे वो गरीबदास की आप वाणी उठा के देख लो, गरीबदास ने अंतर्गत की जो हमारी जो वृत्तियों की बात करी, उसने कहा कि भाई नभ भी कमल दल में राम बोल रहा है, उसके बाद स्वाद चक्र में राम बोल रहा है, हृदय चक्र में राम बोल रहा है, कंठ चक्र में राम का भाषा, यानी कोई भी जो संत साहित्य से जुड़ा हुआ है वो भी, हमारा संत साहित्य भी राम के नाम से अछूता नहीं है। अगर हम बात करें हरियाणा के जनमानस की, तो जनमानस तो राम में ही रचा बसा है, हरियाणा तो राम से ही रचा बसा है,
चाहे वो गमी का माहौल हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो, राम नाम के बिना हरियाणा के किसी मानस का काज संपूर्ण नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा आपने उठाया। मैं तो कहता हूं, अब जैसे मैं राज स्वयं मत में भी स्वयं मत कभी किसी की चाहे सगुण भक्ति का विरोध नहीं करता। हम निर्गुण भक्ति को मानते हैं, हम संत मत के वो हैं तो हम निर्गुण भक्ति को मानते, लेकिन हम सगुण को भी उतना ही अधिमान देते हैं। तो चाहे वो संतों की बात हो, हमारे हरियाणा में भिवानी जिले में राम सिंह अरमान साहब हुए, उन्होंने घट रामायण लिखी। अब घट रामायण में भी राम का दर्शन उन्होंने हमारे अंतर के अंतर किया। यानी मैं जो मैं बात प्रमुखता से आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपने मेरे आगे बात रखी कि हरियाणा का मानस राम ने किस तरीके से देखा है, तो मैं वो ये चाहता हूँ कि निर्गुण भक्ति करने वाले संत महात्मा भी जो हरियाणा की जनमानस में प्रचारित जो भाव है राम का, उससे अपने आप को विलग नहीं कर पाए। उन्होंने भी राम को उठाया, भक्ति में राम को उठाया, उन्होंने शक्ति में राम को उठाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिकेश पंघाल जी, अपनी बात रखने के लिए। रिटायर्ड IAS राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि राणा साहब ने काफी किताबें लिखी हैं प्रभु राम के किरदार को लेकर और प्रभु राम की भक्ति को लेकर, और अलग अलग रूप हैं प्रभु राम के, अलग अलग रूप में जाना जाता है। राणा जी, आप किस तरह से याद करेंगे प्रभु राम को? तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम लगातार मची हुई है और हमारी तरफ से कोशिश हो रही है कि कुछ लोगों को हम जोड़ पाएं, और जो प्रभु राम को याद करते हैं, जो प्रभु राम की भक्ति में एक उनका अलग अलग तरह से एक योगदान रहा है, चाहे साहित्य के लिहाज से रहा हो या फिर संस्कृति के लिहाज से रहा हो, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले अयोध्या नगरी की कुछ तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, और उन तस्वीरों से आप अयोध्या की भव्यता का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त प्रभु राम की नगरी किस तरह से सजकर संवरकर तैयार है अपने रामलला के आगमन के लिए, क्योंकि 5 साल के बाल्य रूप की मूर्ति भगवान राम की वहाँ लगाई जाएगी 22 जनवरी को गर्भगृह में, जिसको लेकर तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से लगातार चल रही हैं। और इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा की धूम की ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, और हमारे बीच इस वक्त जुड़ चुके हैं यशपाल वर्मा, जो कि रामलीला कलाकार हैं। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। यशपाल जी, आप रामलीला के कलाकार रहे हैं, रामलीला का मंचन बहुत समय से किया है, आप किस तरह से देखते हैं रामलीला को और रामलीला के जो किरदार हैं उनको? यशपाल जी, और इसी बीच रामफल चहल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामफल चहल जी हरियाणवी साहित्यकार हैं, रामफल चहल जी से भी बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामफल चहल जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। रामफल जी, बात हरियाणा की हो रही है, हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए आप सभी लोग हैं, और जब राम की बात हो, क्योंकि कण कण में राम है, हरियाणा में भी अलग अलग ऐसे हमें जगह मिलती हैं जहाँ पर रामायण से जुड़े हुए साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ प्रभु राम से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं, आप कैसे याद करना चाहेंगे हरियाणा में प्रभु राम को? राम बैठा हुआ है यहाँ। पहले मैं नामों की बात करूँ, मेरा नाम रामफल, मेरे भाई का नाम रामेश्वर, मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र, बाबू का नाम राम गोपाल, दादा का नाम अखेराम, उनके पिताजी का नाम राम साहे। तो हमारे यहाँ इस तरह से मणिराम, धनीराम, बलराम, ज्ञानीराम, दीघराम, गंगाराम, रामानंद, ये सारे नाम जो है वो राम के नाम पर मिलते हैं। हर काम शुरू करने से पहले हम कह देते हैं ले भाई राम का नाम। एक हाड़ी ने बैल को जोड़ना है
बैल को हाथ मार के कहेगा ले भाई राम का नाम, जब भी हर खेत में चलाना शुरू करेगा ले भाई राम का नाम, जब भी होगा रोकेगा उसको बैल को तब भी जो कहेगा ले भाई राम का नाम। हमारे यहाँ गाँव के नाम भी बहुत है राम के नाम पे, जैसे रामराय है, रामपुरा है, रामनगर है, रामशरण मालरा है, रामकली है, रामपास है, रामनगर है, तो ये सारे राम के नाम है, के ऊपर नाम है। एक बहुत ही विद्वान ने कहा कि हमारा राज्य ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ भी छिन जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता यदि रामायण और महाभारत जैसे हमारे अलौकिक ग्रंथ सुरक्षित रह जाए, यानी कि इन दो ग्रंथों में सब कुछ हमारे जीवन का हर ऐसा पहलू है उसमें समाहित है, उसमें किस तरह से हमें राजकाज करना चाहिए, क्या हमारा प्रजा के प्रति कर्तव्य होना चाहिए राजा का, क्या हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार होना चाहिए। रामचंद्र जी एक ऐसा पात्र है हमारी नजरों में हरियाणावासी में, तो जो देवता मुनि मनुष्य पशु पक्षी के साथ जो प्रशंसनीय व्यवहार है, अलौकिक व्यवहार है, चाहे वो जामवंत जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे वो सुखदेव जी हो, तो इस तरह से, और चाहे वो जो है रावण के भाई हो। देखिये 14 साल का वनवास था और दशरथ जी चाहते थे कि वो मेरी बात को दिया चलिए, लेकिन वो ना जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाया और उन 14 वर्षों में भगवान रामचंद्र जी ने बीच में जो है ना वो बाली का वध किया, तो सुग्रीव जब गद्दी ग्रहण करने लगे तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी वजह से मैं राजा बनाऊंगा, आप आइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं वन छोड़ के कहीं जाऊंगा, 14 साल का वनवास है। इसी तरह से जब विभीक्षण को राज दिया तब भी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, तभी भी वो विभीक्षण को राजगद्दी पर बिठाने नहीं गए बल्कि लक्ष्मण जी को भेजा। तो राम हमारे कर्म में ठीक है। ठीक है रामफल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिकेश पंगाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राणा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अयोध्या नगरी में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, और इसी बीच कुछ कलाकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्चना सुहासिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी का फ्रेम मिल रहा है हमें? मिल रहा है हमें, ठीक है। अर्चना जी राम राम, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पे आपका। राम 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 राम, सोनल जी आपने भी राम राम और सारे दर्शकों ने भी घनी घनी राम राम। बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप इस फ्रेम में, अभी हरियाणवी अटायर में, और साथ में आपकी माता जी हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं, और जय राम जी की जय श्री राम। जय राम जी की जय श्री राम। जय श्री राम। अर्चना जी गीतों से आपका बहुत पुराना नाता रहा है, और हरियाणा क्यों कर आज प्रभु राम ने याद करेगा, किस तरह के सुनाओगे, क्योंकि बहुत पूरे हरियाणा ने बाट हो रही थी 22 जनवरी की तारीख की, और ना केवल हरियाणा ने बल्कि पूरी देश दुनिया ने, लेकिन हरियाणा के अपना एक अंदाज है, आपका अपना एक अंदाज है, क्यों कर याद करोगे आज प्रभु राम ने? देखो माँ और तो सारी टाइम राम का नाम लिए जाए, राम की माड़ा फेरे हैं या नुकाए ले लो, बुढ़ापा में भी तो राम का नाम लेओगे, जवानी में भी राम का नाम ले लो, इब गांव ने भी राम कह दे हैं, और सीधी जो नमस्ते और हेलो हाय तो है नहीं इनकी, तुम्हारी तो सीधी राम राम ही है, तो राम का नाम में सारा कुछ आ जाए है। पर जब गीता की भजना की बात करें है तो जो कार्तक के महीने में देखा जब कार्तक नाम है पूरे पूरे महीने में जब गावे ही है कि राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बन खंड जाए जी को राम मिले भगवान, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो गावे हैं, और मम्मी आपने सुना भी देगी, जोन सा आप कहोगे वही सुनाओगी। आप अपनी मर्जी तो कोई भी भजन जो कि राम से जुड़ा हुआ हो आप सुनाओ, और आप अर्चना जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए क्योंकि मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, शायद आपका फोन म्यूट करना पड़ेगा। जी तो जद नू कह है सारी जिंदगियों के ऐसा मौका है, चारों पास है राम 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 की गूंज हो रही है, मन में भी तन में भी और पूरे देश दुनिया में राम राम हो रहा है, हर काल का दिन तो बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। तो जद नू कह है कि बोले सारी बोलो ए ले लो राम का नाम, तो वो भजन मम्मी सुनाऊंगी। सारी बोलो ए सारी बोलो ए Okay.
पहला सुख देखा मैंने बाबल का राज में, पहला सुख देखा मैंने बाबल का राज में, खूब खेलिए खूब खेलिए बाबल का राज में, खूब खेलिए खूब खेलिए खूब बाबल का राज में, खूब खेलिए सारी बोलो सारी बोलो राम कर भजन में सारी बोलो ले, दूजा सुख देखा मन ससड़ कर, दूजा सुख देखा मन ससड़ कर मैं, खूब पिचाए खूब पिचाए ससड़ कर राज में, खूब पिचाए खूब पिचाए खूब पिचाए ससड़ कर राज में, खूब पिचाए सारी बोलो सारी बोलो राम के भजन में, सारी बोलो दूजा सुख देखा मन बेटा खूब फुलिए खूब फुलिए खूब फुलिए बेटा के राज में, खूब फुलिए सारी बोलो भजन सारी बोलो, चौथा सुख देखा मन बेटी के राज में, चौथा सुख देखा मन बेटी के राज में, रानी बनिए बेटा के राज में, रानी बनिए सारी बोलो ये अच्छा लगा, क्योंकि अब इंडिया न्यूज हरियाणा भी पूरी तरह से राममय नजर आ रहा है और राममय के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति आप दोनों को देखकर नजर आ रही है, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हरियाणवी भजनों से हम अभी ओतप्रोत हमारा चैनल इस वक्त दिखाई दे रहा है। अर्चना जी, हरियाणवी में एक भजन है कातक भजन, जो कि कातक जब जाया करते नाण जाया करते जब गाया करते राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे, मैं चाहूंगी कि आप एक बार वो भी गुनगुना। और सारे यह बात भी सोनल जी खूब जाना है उस भजन में, जब वीडियो बनाई गई तो उसमें आपका सुंदर चेहरा भी है और वो बहुत घना फेमस है, पर एक नया रूप भी उस वीडियो के माध्यम से देखने में मिला था, तो इस टाइम जब वो भजन ना गावा तो भी ठीक नहीं है, तो जरूर गावांगे। राम रे लक्ष्मण दशरथ के बेटे जा, कोए राम मिल पानी जद का
राम मिले नाम न जानो सीता मारी माँ भगवान तो चंदा देखा तारी माँ कोई राम मिले भगवान खड़ी खड़ी सीता से सुखा ऐसे पति का राम की माया राम में जाने बजलो ने जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। राम की माया राम में जाने बहुत ही शानदार भजन, और निश्चित तौर पर क्योंकि हरियाणा से एक जुड़ाव जो है, कनेक्ट जो है अपनी माटी से, वो दिखाई दे भी रहा है आप दोनों की के गीतों में, आप दोनों की जबान में वो दिखाई दे रहा है कि हरियाणा कैसे जीवंत तो हो उठता है हरियाणवी लोकगीतों में। अर्चना जी, क्योंकि बात राम की हो रही है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, अपने हरियाणा में तो देखो राम राम तो शुरुआत हो है, जय जय राम जी की, राम राम, यो जो सीधा साधा सा रहना सहना है हरियाणा के लोगों का, कोई बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं है हरियाणा में, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करोगे 22 जनवरी का दिन? देखो हम तो पूरी की पूरी टीम इकट्ठी होकर ना अपना ढोलक मंजीरा लेकर ना सत्संग भजन करा करा, इस तरह मौका पर तो, और खास मौका है यो तो इस पर तो हम जरूरी करांगे, तो सारी टीम सारी मंडली इकट्ठी हो ला, पार्क है उसमें बड़ी स्क्रीन लगा रखी है और उसमें सारे जने लाइव भी देखेंगे और भजन कीर्तन भी करेंगे और देखो प्रसाद भी बटेगा। तो सब ने बहुत बहुत बधाई ऐसे मौके पर, आप भी अपनी खुशी जाहिर करें, नाचे गावे खुशी मनावे, एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया मौका है। अर्चना जी अभी चूंकि हम देख रहे हैं कि हरियाणवी हरियाणा के अलग अलग राम रामायण के जब पाठ हुए या रामायण के बारे में जब हम बात करते हैं तो रामायण के अलग अलग किरदार हैं, चाहे वो शबरी हो चाहे केवट हो, ऐसे किरदार जिन्होंने प्रभु राम की भक्ति की बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ तरीके से, लिखा उन पे बहुत कम गया। क्या कोई ऐसा भजन है जो प्रभु राम के ऐसे किरदार पर हो जिसका जिक्र रामायण में बहुत कम है लेकिन बहुत खास है, चाहे वो शबरी हो चाहे वो खेवट हो, कोई ऐसा भजन है आपके पास? ना फिलहाल तो ऐसा कोई भजन मेरे को याद नहीं है सोनल, सीधे साधे भजन है वो याद है, लेकिन मम्मी और जब सारी इकट्ठी हो जाए, पूरी टीम जब इकट्ठी हो गए तो शब्द गाया करें। अच्छा। और शब्द में ऐसे बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े जो संदेश है वो दे है कि ये है कि राम ही राम रटो मन मेरा, रटो मन मेरा भजो मन मेरा, चिड़िया कैसा रैन बसेरा, भोर भई उड़ जा सवेरा। तो इसमें बहुत गूढ़ बात कही गई है, रहट कासा लग जा फेरा, कदे ऊंचे कदे नीचे गेरा, यानी कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहे, जिस तरह की रहट चल रहा है उस तरीके से। तो राम ही राम भजो मन मेरा, मोक्ष धाम में लग जा डेरा, बाजा लख 84 का कट जा घेरा। तो जो लख 84 योनी है तो उसका जो फेरा, उसका बंधन से आदमी जद मुक्त होगा, जद राम का नाम ले होगा, और जब बुढ़ी ठेरी हो जाए, जद कया करे भाई मेरी राम भजन की माला भगवान तोड़ बगाई, या भी इनकी एक वो रया करे भगवान से उलाना, ये गीत जरा सुनवाओ, ये गीत जरा सुनवाओ, बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है। हाँ सुनाई मम्मी। हाय मेरे राम रटन की माला बहुआन तोड़ बगाई, हाय राम रटन की माला बहुआन तोड़ बगाई, वे बोलिए बहुआन
पानी लिया दे, मैं बहु पानी लिया दे, काहे वतो हाथ लागी बहु आने तोड़े बना दे, वाला मर टड़की आए मन छोटनी सरोटी मांगी मन घर दरहांडी बताई, आए मन छोटनी सरोटी मांगी मन घर दरहांडी बताई, आए मेरा आए मन अपनी बेटी बलाई, मन दौर बैठ समझ आई, मन अपनी बेटी बुलाई वोर बैठ समझ आई, आए बेटी पाट्या पुराण पैरिए बिना बुलाई, बेटी पाट्या पुराण पैरिए पर मेरा नाम आए मन अपना बुढ़ा बुदाई, अमन दौर बैठ समझ आया, सीखा बुढ़ा बासी खुद आए मेरा राम तोड़े बगाई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, राम रटन की माला बहुमा ने तोड़ बगाई। अब आप माता जी से आंटी जी से भी पूछना चाहूंगी कि राम के भजन करण दे है ना, माला तो तोड़ ताड़ के नहीं बगाती बहू। ना पपुल रटा राम ने। अच्छा आपके आपके टाइम में जब राम का जिक्र होया करता, राम मंदिर की बात होया करती, तो आप थोड़ा बताना चाहोगे कि राम मंदिर 22 जनवरी ने बनके तैयार है, और जब भाई 500 सालों का लंबा एक इंतजार रहा, आपने किसा लगे है, क्योंकि हर आदमी अपना आपने भाग्यशाली महसूस कर रहा है कि वो इस देश में इस क्षण का गवाह बन पाया, इस मूवमेंट का गवाह बन पाया, इस पल का गवाह बन पाया। अयोध्या बहुत ज्यादा बदल भी गई है, अयोध्या के जो बुजुर्ग हैं वो ये बात कह भी रहे हैं कि भाई पहले की अयोध्या में रीब की अयोध्या में बहुत घना अंतर है, और बहुत ही एक बड़ा बदलाव, बड़ा विकास अयोध्या में देखने ने मिल रहा है। बाकी हम गीत का माहौल है, भजनों का माहौल है, तो अर्चना जी कोई और भजन हो जाए बढ़िया सा। तो सारिया ने बुला लिया कि भजना माया करियो, सत्संग माया करियो, थाने फेर मिल गए राम, जिस तरह अयोध्या जाओगे तो समझो राम ही मिल गए, तो इस तरीके से भजन सत्संग करोगे तो समझो उसमें भी राम मिल गए। भजन अर्चना जी आपको मैं रोकना चाहूंगी एक बार। मीनाक्षी भी जुड़ गई हैं, मीनाक्षी पांचाल गायिका हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। और मीनाक्षी के साथ साथ मुकेश जी भी हैं, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ, बहुत शानदार इनका काम है। मीनाक्षी गाती हैं और मुकेश संगीतकार हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी आपने बहुत सारे हरियाणवी भजन गाए हैं,
अब कोई हरियाणवी में भजन से मैं चाहूंगी कि आगाज हो जाए एक बार। जी भज मन रामन भज मन रामन अति प्यार राम नाम की सासा राम सा गूंज एक तारा रे भज मन राम नाम अति प्यारा रे भज मन राम नाम अति प्यारा राम नाम अति प्यारा भज मन राम नाम अति प्यारा राम नाम अति प्यारा भज मन राम नाम अति प्यारा राम नाम अति प्यारा भज मन राम नाम अति प्यारा अंतर मन जब घोर निराशा छावे कुछ ना सोचे कुछ पूछे मन भी अकुलावे राम नाम दीप जला दे राम दीप जला उजियारा रे भज मन राम नाम अति प्यारा रे भज मन राम नाम अति प्यारा राम नाम अति प्यारा भज मन राम नाम अति प्यारा राम नाम अति प्यारा भज मन राम नाम अति प्यारा। बहुत सुंदर। और ये जुगलबंदी भी दिखाई दी क्योंकि मुकेश जी भी गाते हैं और मीनाक्षी भी गाती हैं, तो साथ साथ हमने लास्ट में देखा आपकी जुगलबंदी भी दिखाई दी। मीनाक्षी कोई ठेठ हरियाणवी अंदाज में हो जाए क्योंकि आपका वोकल बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा आप क्लासिकल भी गा लेती हैं, हरियाणवी को जब हम फोक की बात करते हैं तो वो टोन भी आपके भीतर और मुकेश जी के भीतर तो है ही है। मैं चाहूंगी कि एक बार दोनों एक ऐसा राम भजन सुना दें जो हरियाणवी अंदाज में ठेठ अंदाज में हो। जी राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बड़ खंड जाए हे जी कोई राम मिले भगवान राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बड़ खंड जाए हे जी कोई राम मिले भगवान एक बण चाले दो बण चाले तीज मन प्यास हे जी कोई राम मिले भगवान रामर लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों हे जी कोई राम मिले भगवान। जय श्री राम। मीनाक्षी कातक के टाइम पे यो भजन गाया जाया करे हरियाणा में, जब कातक में हमारी बुढ़ी दादी नानी जब जाया करती कातक नान खातर। अब तो टाइम बहुत ज़्यादा बदल गया, ये चीज़ें ये रीति रिवाज बहुत कम रह गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गीतों के जरिए या भजनों के जरिए लोक गीतों के जरिए एक अलख तो जगी है हरियाणा में भी। हम कह सकते हैं कि लोगों ने एक कोशिश करी, वो कोशिश ने साकार रूप भी लिया है। मीनाक्षी आपने बहुत सारे भजन गाए होंगे, आपका कोई प्रिय भजन हो जो आपका फेवरेट हो, आपको लगता है ये मेरा सबसे खास है? जी देखिए भजन तो बहुत गाए हैं सोनल, और मुझे लगता है कि हर भजन ही जब उसमें राम का ही नाम है तो कहते हैं ना कि जिस भजन में राम का नाम ना उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जी वो सारे ही भजन पसंद है मुझे, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी मर्जी भजन हो सभी मेरे पसंदीदा है।
तो कुछ सुनाएंगी आप कोई ऐसा भजन? जी चलो मिलकर चले अयोध्या में सिया राम के दर्शन पाएंगे। चलो मिलकर चले अयोध्या में सिया राम के दर्शन पाएंगे। सिया राम के दर्शन पाएंगे जीवन को सफल बनाएंगे। सिया राम के दर्शन पाएंगे जीवन को सफल बनाएंगे। चलो मिलकर चले अयोध्या में सिया राम के दर्शन पाएंगे। कितना ही पावन दिन होगा और रोम रोम पुलकित होगा। कितना ही पावन दिन होगा और रोम रोम पुलकित होगा। मस्ती में झूमेंगे और सबका मन हर्षित होगा। मस्ती में झूमेंगे सारे और सबका मन हर्षित होगा। हम राम लला के स्वागत में श्रद्धा के दीप जलाएंगे। चलो मिलकर चले अयोध्या में सिया राम के दर्शन पाएंगे। बहुत सुंदर मीनाक्षी, बहुत सुंदर आवाज है आपकी, बहुत खूबसूरत। मीनाक्षी मुकेश, आप दोनों एक साथ मिलकर गीत बनाते हैं, लिखते हैं, ये जो जुगलबंदी है ये दिखाई भी दे रही है आप दोनों की। जब भजन गुनगुनाते हैं या भजन बनाते हैं मीनाक्षी, तो एक अध्यात्म से जुड़ाव आप कहेंगे कि उस गीत में एक अलग तरह की हमें वाइब्स चाहिए होती हैं। तो एज अ सिंगर आपको कैसे कैसे कनेक्ट कर पाती हैं आप उसको, क्योंकि बहुत सारे गीत आप गाती हैं, अलग अलग विधा के गीत गाती हैं, लेकिन जब भजन गाते हैं तो सीधा प्रभु से मिलन की बात होती है, तो उस गीत में उस आवाज में भी एक अलग खनक होती है, कैसे मेंटेन करती हैं? जी, जब जैसे कि आपने बोला कि अलग अलग प्रकार के गीत मुझे गाने होते हैं, लेकिन जब भजन गाती हूँ स्पेशली, तो एक तो जिन भी भगवान का मैं भजन गा रही हूँ उनको याद करती हूँ और मन में एक शांत भाव को रख के और कोई सभी चिंताओं को छोड़कर और अपने आप को उन्हीं के आश्रित रख के, ऐसा भाव मन में रख के मैं गाती हूँ, तो वो भाव आपको भजन में दिख पाता है। तो यही रहता है भजन गाने का तरीका। बिल्कुल सही बात है। और एज अ सिंगर बहुत चैलेंजिंग भी होता है जब अलग अलग रोल में आप होते हैं, अलग अलग तरह के गीत आप गाते हैं, आपकी आवाज को तो आपको उस तरह से मॉडरेट करना ही पड़ता है, साथ ही साथ आपकी आपके मूड को भी आपको अलग अलग दिशा में ले जाना पड़ता है इस तरह की गीत के लिए, गायकी के लिए। मीनाक्षी, हरियाणा के लोग किस तरह से प्रभु राम को याद करते हैं, क्योंकि आप हरियाणा से हैं, हमारे हरियाणा का तो सीधा साधा रहना सहना है, सीधा साधा बाणा है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के आदि नहीं होते हरियाणा के लोग, तो आप 22 जनवरी की तारीख को कैसे मनाएंगे, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आप प्रभु राम को डेडिकेट करना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जरिए? जी देखिए, हम कलाकार हैं और अभी इन दिनों क्या है ना कि इतने राम जी के भजन में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मुझे उनसे ही फुर्सत नहीं है। और काफी पहले से, एक महीना भर पहले से मेरे पास राम जी का इतना काम भजन का चल रहा है जो कि मैं रोज रोज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो भी वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज भी रात तक भी मुझे काम करके सोना है, भजन गा के सोना है, ताकि कल भजन रिलीज हो पाए। और सब लोग खुश हैं, इतने खुश हैं, इतना राम जी के भजन आ रहे हैं कि तभी मेरे पास भी इतना काम आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं राम जी के भजन गा के ही कल का दिन जो है मेरा गुजरेगा और पूरा दिन उनके भजन गाऊंगी, उन्हें याद करूंगी। अच्छा मीनाक्षी, कलाकारों के लिए भी अच्छा रहा ये, क्योंकि 22 जनवरी को हम देख रहे हैं बहुत सारे कलाकार अयोध्या पहुंच रहे हैं, बहुत सारे कवि, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, तो ये ना केवल एक भक्ति की शक्ति बल्कि एक सृजन की शक्ति भी दिखाई दी, क्रिएटिविटी की शक्ति भी दिखाई दे रही है अयोध्या में। हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं, कलाकारों के लिए भी एक बड़ा मौका है अपनी कला को जाहिर कर पाने का। जी बिल्कुल। तो मीनाक्षी, कुछ और चलते चलते सुना दीजिए, वक्त थोड़ा सा कम है, क्योंकि मीठी सुरीली आवाज है आपकी, तो एक जरा भजन और हो जाए, उसके बाद हम
अपने अलग अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। मीनाक्षी जी, अभी हाल ही में एक भजन रिकॉर्ड किया था राम जी का, तो वो हम सुनाना चाहते हैं। मुकेश जी भी हैं, उन्होंने भी उसमें गाया है और कुछ मैंने भी गाया, वो सुनाते हैं। बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम, कलयुग में सतयुग का नजारा, बन गए बिगड़े का, देख नजारा मन हर्षाया, अमृत का दीप जलाओ, दिवाली मनाओ, दिन भागा वाला, आज खुशियां वे, आज खुशियां वे, रब के तभा गवाला दिन आया, आज खुशियां वे, आज खुशियां वे, स्वागतम रामा स्वागतम, स्वागतम रामा स्वागतम, स्वागतम रामा स्वागतम, स्वागतम रामा स्वागतम। बहुत शानदार, स्वागतम रामा स्वागतम, और पूरा देश यही गा रहा है स्वागतम राम स्वागतम भगवान। और आपके चैनल से, चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि ये भजन हमारा YouTube पे रिलीज हो चुका है, और जो हरियाणा, जो आपके चैनल की जितनी भी ऑडियंस है वो उसको YouTube पर देखे, तो हमें उससे सपोर्ट मिलता है काफी। बिल्कुल, एक कलाकार के लिए मोटिवेशन का काम करता है जब उसके गीतों को सराहा जाता है, लोग देखते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है। मुकेश, अभी आप क्या नया कर रहे हैं, क्या नया भजनों में, क्योंकि बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ भजन शेयर किए गए, लोग बहुत सिंपल तरीके से भजन गा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा उसमें म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बहुत शांत तरीके से गाते हैं। एक गायकी का भी एक ट्रेंड बदल गया है, और एक वेस्टर्न का इंडियन का जो एक वो है हम देख रहे हैं, एक ब्लैंड नजर आ रहा है आजकल गायकी में। मुकेश, सोनल जी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया है, और मैं तो हैरान हूं कि आपने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया है कि एज ए म्यूजिक कंपोजर मैं भी पिछले एक महीने से ये फील कर रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो भजनों का, जो स्पेशली जो भजन का एक ट्रेडिशनल जो होता था पहले संगीत का, वो बिल्कुल चेंज हो गया इसके बाद। और जैसे आपने कहा कि जो अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी कुछ भजन शेयर किए हैं, इससे देखो एक जो कितनी अच्छी बात है कि हम डिवोशनल लाइन को भी हम इतना ज्यादा आगे लेकर जा रहे हैं कि वो हमारी जो डिवोशनल लाइन है, म्यूजिक की लाइन है, वो भी इंटरनेशनली लोग उसको सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। और रिसेंटली अभी मेरा एक कंपोज किया हुआ भजन अभी रिसेंटली कल ही रिलीज हुआ है यूट्यूब पर यूनिवर्सल म्यूजिक से, और उसमें हमारे रोहतक के मेरे छोटे भाई हैं विजय मलिक, उसका गाया हुआ है, और साथ में स्वाति मिश्रा ने उसके साथ लीड में गाया है, और म्यूजिक मेरा कंपोज किया हुआ है। तो रिसेंटली अभी हम भी इस चीज से गुजर रहे हैं कि स्वाति मिश्रा, ये वही स्वाति मिश्रा है जिन्होंने राम आएंगे भजन गाया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी, वही स्वाति मिश्रा है, उनके साथ कोलैब करके हमने एक भजन बनाया जो कि अभी रील्स में आज से ट्रेंडिंग में भी आ गया है। वो ये भी भगवान राम की कृपा है कि हमने जो काम किया वो लोगों तक पहुंच रहा है और अच्छे से लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री राम। और हमारे साथ यशपाल वर्मा जी जुड़ चुके हैं, रामलीला कलाकार हैं, और साथ ही हरीश कुमार उनके साथ हैं, वो भी रामलीला के मंचन से जुड़े रहे हैं। यशपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हरीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हरीश जी आप रामलीला से जुड़े हुए हैं, रामलीला के किरदारों को आपने तो बहुत ही शानदार तरीके से जिया है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा अपनी यात्रा बताएं और कोई ऐसा संवाद जो रामलीला का आपका प्रिय हो हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। जय श्री राम, सभी भक्तों को श्री रामलला के पावन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की सबसे पहले हार्दिक बधाई देना चाहूंगा मैं सभी दर्शकों को,
और रामलीला की अगर हम बात करें तो हमारा परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से श्री राम का रोल करता आ रहा है, जिसमें मेरे परदादा, मेरे दादाजी श्री लीला कृष्ण जी और पिताजी मेरे साथ हैं, यशपाल वर्मा जी, उसके उपरांत मैं 25 सालों से श्री राम का रोल कर रहा हूँ और अब बिटिया छोटे राम का, रामलला का रोल अभिनय करती है। और ये एक अनूठी, आप ये समझिए कि अनूठी फीलिंग होती है, एक अलग तरह की फीलिंग होती है जब प्रभु श्री राम का हम स्वरूप धारण करते हैं तो उनके गुण भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर समावेश होते हैं, उन दिनों में तो खासकर ही राममय होता है। और रामलीला में क्योंकि हमारी जो यहाँ रामलीला होती है हमारे क्षेत्र में तो ये संगीतमय रहती है, तो इसमें ज्यादातर जो होते हैं गाने हमारे गाए जाते हैं जिसमें अलग अलग पात्र गाते हैं, तो एक छोटा सा गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। जी 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 प्लीज। जब श्री राम वनवास जाते हैं तो माँ कौशल्या के पास भगवान श्री राम जाते हैं और एक गाने के माध्यम से माँ कौशल्या को बताते हैं कि मुझे वनवास हुआ है, तो किस प्रकार कहते हैं, पिता माता की आज्ञा को निभाने जा रहा हूँ माँ, मेरी तकदीर बदली है तराने गा रहा हूँ माँ, पिता माता की आज्ञा को निभाने जा रहा हूँ माँ, मिला वनवास 14 वर्ष अवध के राज के बदले, मैं पहनूंगे रुए वस्त्र अवध के ताज के बदले, मैं धरती के ही पापों को मिटाने जा रहा हूँ माँ, पिता माता की आज्ञा को निभाने जा रहा हूँ माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यशपाल जी, आपने भी 30 साल तक श्री राम का रोल अदा किया है, श्री राम की भूमिका निभाई है। हाँ जी। कैसा रहा आपका सफर, थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे। ये सफर शुरू से हमारे बुजुर्गों द्वारा शुरू किया गया था यहाँ पे टोहाना में, विभाजन के बाद रामलीला का एक मंचन तैयार किया था जिसका नाम रखा गया था बजरंग राम नाटक क्लब, जो आगे हमें प्रेरणा मिलती रही और आगे हम बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि इसी प्रकार ये आगे चलती रहे, फूलती रहे और राम जी के जो गुणगान हैं वो ऐसे ही हमारे बच्चे करते रहें और गलत संगत से बचे रहें, ये हमारी एक मुहिम है ताकि सनातन से जुड़े रहें और राम नाम की जय जयकार करते रहें, यही हमारी आशा है और यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी, हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने कोशिश की कि हरियाणा के कुछ ऐसे लोग, चाहे वो संगीत के लिहाज से राम, प्रभु राम की भक्ति में डूबे हों या फिर रामलीलाओं के लिहाज से, अलग अलग विधाओं से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रियाएँ जानने की कोशिश की, क्योंकि 22 जनवरी का दिन बड़ा है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और पूरा देश इस गौरवमय पल का इंतज़ार कर रहा है, और ऐसे में इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आप सभी को राम राम करता है।